बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा रावण से जुड़ी हुई है। एक बार रावण कैलाश पर्वत पे जाकर के शिव जी की पूजा करता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रावण एक के बाद एक अपने 10 सरों का बलिदान देता है। इस पर शिव जी रावण से प्रसन्न होते हैं और उसे दर्शन देते हैं। दर्शन मिलने पर रावण शिव जी को अपने साथ लंका चलने को कहता है। इस पर शंकर भगवान रावण को एक शिवलिंग देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ लंका लेकर के चले जाओ और तुम इसे धरती पर जिस स्थान पर भी रख दोगे, मैं वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाऊंगा। तब रावण खुशी खुशी इस शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाने लगता है। लंका के रास्ते में रावण को लघुशंका के लिए रुकना पड़ता है। तब उसे पास ही में एक ग्वाला दिखता है और वह ग्वाले से इस शिवलिंग को पकड़ने को कहता है। ग्वाले को शिवलिंग दे करके रावण लघुशंका के लिए जाता है, किंतु वह ग्वाला कुछ ही देर में इस शिवलिंग के भार से थक जाता है और उसे धरती पर रख देता है। जब रावण वापस आता है तो वह देखता है कि शिवलिंग धरती पर रखा हुआ है। तब वह इस शिवलिंग को उठाने की काफ़ी कोशिश करता है, परंतु वह इस शिवलिंग को उठा नहीं पाता। तब रावण समझता है कि ये शिवजी की लीला है और शिवजी इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए हैं। इसके बाद रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाया, उसकी पूजा करी और उसके बाद वह लंका के लिए गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जो ग्वाला रावण को मिला था वह देवी देवताओं का रूप था और देवी देवता नहीं चाहते थे कि रावण शिवजी को अपने साथ लंका लेकर के जाए, इसलिए उन्होंने इसे धरती पर रखा। कुछ कथाओं के अनुसार माना जाता है कि वह ग्वाला विष्णु जी का रूप था और कुछ अन्य कथाओं के अनुसार माना जाता है कि वह ग्वाला गणेश भगवान का रूप था। इसके अलावा इस ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर के भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ के अनुसार यह हिमाचल प्रदेश में है, कुछ के अनुसार महाराष्ट्र में और कुछ के अनुसार यह देवगढ़ झारखंड में है। इस वीडियो में आप देवगढ़ झारखंड के बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर रहे हैं। पूरे भारत में देवगढ़ का बैद्यनाथ धाम ही एक ऐसी जगह है जहां पर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ हैं। और इस ज्योतिर्लिंग के नाम को लेकर के भी एक कहानी है। अब क्योंकि रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सरों का बलिदान दिया था तो उसका काफ़ी रक्त बहा था और उसे घाव हो गए थे, तो प्रसन्न होने पर शिवजी ने उसके घावों का इलाज किया था। तभी इस धाम का नाम बैद्यनाथ धाम है, क्योंकि शिवजी ने एक वैद्य की तरह रावण का इलाज किया था। तो ये है बाबा बैद्यनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा और ये हैं बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन।